बाबा, वो जिस रात को मैं आपको मिली थी, उस रात आपने बहुत कोशिश की होगी मुझे मेरे असली माँ बाप तक पहुंचाने की। क्या हुआ था? बाबा, हाँ बेटा, उस दिन मैं चाहता था कि तुम्हें तुम्हारी माँ के पास वापस जल्द से जल्द पहुंचा दूँ। सलमान ने बताया था कि उसने एक रिक्शे वाले को देखा था। मैं गया भी था उसके पास। उसने क्या क्या बताया सुरक्षा वाले ने? उसने बताया था कि रीना नामी एक नर्स थी जो उसके साथ बैठी थी, और उसके हाथ में एक बच्ची थी। वो बच्ची उसे किसने दी थी? ये रीना ने नहीं बताया, बल्कि उसने तो मुझे जेल में डालने की धमकी दी थी। मैं डर गया था। यानी मेरे बारे में सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक वो गफूर रिक्शे वाला और दूसरी नर्स रीना, है ना? हाँ बेटा, बाबा, बाबा, आप मुझे उस गफूर रिक्शे वाले के घर ले जाएंगे? वो क्या बताएगा, उसको खुद कुछ नहीं पता। जब कोई चीज घूमती है ना, तो उसको सिर्फ उसी जगह नहीं ढूंढते जहां पे वो घूमी होती है। प्लीज, ठीक है बेटा, चलो। चाय पी लूं पहले। निगाह तेरी, रहमतें तेरी, सादतें, जाऊं जहां पाऊं तेरी मैं इनायतें। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई बात सुने, आप यही रहे थे? जी बाजी, मैं इधर रहता हूँ। आप गफूर रिक्शा वाले को जानते हैं किसी को यहाँ? आप क्यों पूछ रही हैं वैसे? आप जानते हो गफूर? जी, गफूर साहब मेरे वालिद हैं। अब हम उनसे मिल सकते? जी, मेरे वालिद साहब का 8 साल पहले इंतकाल हुआ। वैसे आपको उनसे क्या काम था मुझे बता दें, शायद मैं वो काम कर सकूं। शुक्रिया। परेशान क्यों होती हो? कोई ना कोई तो हल निकाल ही लेंगे। क्या करूं अगर परेशान ना हो तो? कोई अता पता ही नहीं है उनका, एक उम्मीद थी वो भी गई। ये बाप बेटी कहां से घूम के आ रहे? सलमान, हम अभी पुराने जमाने से होके आ रहे हैं। पुराने जमाने? मैं कुछ समझा नहीं। वो गफूर रिक्शे वाले को ढूंढने गए थे। वो? अच्छा, अब समझा। फिर क्या हुआ? तो 8 साल पहले ही फौत हो गया। मरियम, तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई सुराग मिल जाए। मरियम बेटा, हम जो है ना, अब जाके वो नर्स रीना से जाके मिलते हैं, उसको ढूंढते हैं। वो मिल भी गई तो कुछ नहीं बताएगी। याद है पहले भी कैसे खूंखार हो रही थी और पुलिस की धमकी दे रही थी? हाँ, है तो बड़ी बुजदिल। लेकिन अब इतना वक्त गुजर गया है, शायद बता ही दे। हाँ, जब उसे पता चलेगा ना कि वो लड़की उसके सामने खड़ी है, तो वो डर जाएगी, कुछ भी नहीं बताएगी। हाँ, बहुत बुजदिल है वो। सलमान चाचा सही कह रहे हैं, हमें उसे ढूंढ के एतमाद में लेना होगा।
हाँ अगर हम उसको पहले से बता देंगे ना तो वो भाग जाएगी। हाँ और इतना अरसा गुजर गया हम साबित भी नहीं कर सकते कुछ। पता है हमें ना उसको एतमाद में लेना होगा और उसको ये बताना होगा कि उसे कुछ नहीं होगा। बस ठीक है बाबा अब इसी प्लान पे काम करने शुरू करते। ठीक है मैं चाय बना के लाता। कुछ और भी बना लिया कर। तू तो वो ड्रामा वाली बीवी हो गई है हर वक्त चाय लेके आती है।